जय हिंद एवरीवन साथियों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोग भी याद आ जाते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सेना में बहुत बड़े पद पर कार्य किया लेकिन सैनिकों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता की जी हाँ बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूँ आज मैं ऐसे एक महान इंसान की बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन सेना के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया उन सैनिकों के हित में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सोचा है तो वो हमारे पीछे आप फोटो में देख पा रहे हैं जनरल सीडीएस साहब बिपिन रावत जी एक दुर्घटना में उनका दुखद देहांत हो गया लेकिन देहांत होने से पहले उन्होंने सेना के बारे में एक बड़ी मार्मिक बात कही एक बड़ी ही चिंता जाहिर की जो मैं आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूंगा शायद आज अगर बिपिन रावत जी होते तो ये अग्निवीर योजना नहीं होती आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं कि आज अगर, अगर हमारे बीच में सी बिपिन रावत जी होते तो यह योजना कभी भी इस तरह से लागू नहीं होती हमारे सैनिकों के लिए ये सेना उसी तरह से रहती जैसे कि पहले थी बल्कि बहुत ही उचित बदलाव की तरफ सेना जाती अगर मैं बात करूं एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने हर किसी को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है मैं बात कर रहा हूं चार फरवरी 2020 की टीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि सैन्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर अट्ठावन वर्ष की जानी चाहिए टीडीएस कह रहे थे कि जो ये जो आयु सीमा सेना में अधिकारी पद के नीचे के लोगों को सैंतीस से अड़तीस वर्ष की आयु में घर भेज दिया जाता है और उन्हें ऐसी नौकरी की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके लिए सम्मानजनक नहीं होती ये शब्द मेरे नहीं है ये शब्द टी साहब बिपिन रावत जी के हैं जिन्होंने ये बात खुद कही खुद कही थी कि जिस तरह से एक सेना का जवान 18 वर्ष की उम्र में बीस वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होता है और पंद्रह साल बाद पै पेत, सैतीस साल या अड़तीस साल की उम्र में वो रिटायरमेंट लेने के बाद वो इस तरह की नौकरी की तलाश करता है जो जिसके लिए वो मजबूर हो जाता है और वो नौकरी उसके लिए सम्मानजनक नहीं होती कोई सैनिक सिक्योरिटी गार्ड में भी जॉब करता है कहीं कहीं जॉब करता है है और उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता तो बिपिन रावत जी का कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल रावत ने कहा कि रक्षा सेवा कर्मियों विशेष रूप से अधिकारी पद से नीचे के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु मौजूदा सैतीस अड़तीस से बढ़ाकर अट्ठावन वर्ष की जानी चाहिए ताकि उनकी सेवाओं का अनुकूलन किया जा सके और बढ़ती रक्षा पेंशन में कटौती की जा सके मतलब कितना बढ़िया आइडिया था उन्होंने कहा कि हमें जो भी सैन्य अधिकारियों से नीचे के पद सैनिक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को हमें उनकी उम्र सीमा को बढ़ा देना चाहिए उनको अट्ठावन साल की उम्र में रिटायरमेंट देना चाहिए जिससे कि पेंशन सुविधा में भी कटौती हो जाए और ये बेचारे सैनिक अपनी नौकरी के लिए फिर से संघर्ष ना करें इसके अलावा उन्होंने कहा कि पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में रावत ने कहा कि सेना के अधिकारी आमतौर पर चौवन से अठावन साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें सुरक्षा और अच्छी देखभाल मिलती है लेकिन अधिकारी रैंक से नीचे के लोगों को अठारह उन्नीस साल की, आ, की कम उम्र में भर्ती किए जाने के बाद सैंतीस से अड़तीस साल की उम्र में घर भेज दिया जाता है सी ने कहा रावत ने कहा कि कम उम्र में रिटायर होने के बाद उन्हें ऐसी नौकरी की तलाश करनी पड़ती है जो पेंशन के बावजूद उनके लिए सम्मानजनक नहीं होती उन्होंने कहा कि अनुपात को बता रहा हूं यह शब्द मेरे बच्चों रावत जी के हैं दो हजार बीस की बात है 2022 में अग्निवीर योजना आई यानी यहां पर सीधा सा मतलब है कि सीडीएस साहब इस बारे में सरकार से बात कर चुके थे और सरकार से उन्होंने ये चिंतन रखा था ये बात रखी थी कि अधिकारी रैंक से नीचे यानी कि जो सैनिक है इनकी आप सेवा करने की जो जो समय उसको 58 है उसको बढ़ाइए अट्ठावन साल करिए इनको बड़े अपमानजनक तरीके से या उनके सम्मान जनक नौकरी उनको नहीं मिलती है उनको संघर्ष करना पड़ता है पेंशन मिलने के बाद भी क्योंकि पंद्रह हजार बीस हजार रुपए से किसी का घर नहीं चलता है आप सोच कर देखिए लेकिन अफसोस कि आज हमारे बीच में टीडीएस साहब विपिन रावत जी नहीं है जो सच में सेना के उन छोटे-छोटे सैनिकों को के लिए इतना कुछ सोचते थे बड़े गर्व की बात है लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है हमारी सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है आज हमारी सरकार ने 15 साल 18 साल से घटाकर मात्र चार साल के लिए इन अग्निवीरों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर कर दिया है इसके अलावा जिस पेंशन सुविधा के लिए रावत साहब ने यह कहा था कि उस पेंशन से घर नहीं चलता सैनिक का उसको नौकरी ढूंढनी पड़ती है उस पेंशन सुविधा को भी खत्म कर दिया मैं भावुक भी हूं और मैं पूछना भी चाहता हूं इस सरकार से क्या आप सीडीएस डी बिपिन रावत जी को भूल जाएंगे क्या आप उनके शब्दों को भूल जाएंगे एक बार सोच कर देखिए एक बार विचार करके देखिए शायद आज हम सब इसीलिए बिपिन रावत जी को याद कर रहे हैं कि आज वो होते तो ये मुझे पूरा भरोसा है इस अग्निवीर योजना का सबसे आगे आकर वो विरोध कर रहे होते वो इस तरह से जिस तरह से अग्निवीर योजना में ये नियम बनाए गए हैं इन नियमों का पूरी तरह से खंडन करते मेरा निवेदन है सरकार से, प्लीज आप इस बारे में मंथन करिए। हमारा उद्देश्य आपको या आपकी सरकार को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि मैं सिर्फ इन युवाओं के हित की बात कर रहा हूं और मुझे ये आप पर भरोसा है कि आप इसके बारे में बहुत जल्दी निर्णय लेंगे इन सैनिकों को इस अग्निवीर योजना से पूरी तरह से मुक्त करने का काम करेंगे यह मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुजारिश है इस बारे में जरूर सोचें रक्षा मंत्री आदर राजनाथ सिंह जी से जो मेरे लिए एक आदर्श स्वरूप भी रहे हैं मेरा उनसे भी निवेदन है एक बार टीडीएस साहब बिपिन रावत जी का यह स्टेटमेंट जो 2020 में दिया था इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है एक बार जरूर पढ़िए और विचार करिए इस बारे में कि क्या सीडीएस साहब इस अग्निवीर योजना के पक्ष में होते अगर वो आज होते मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं सी डी एस साहब के बारे में बस यही कहूंगा कि वो एक महान व्यक्तित्व थे जो सेना के सर्वोच्च पद पर होते हुए भी उन्हें सैनिकों की इतनी चिंता थी इतनी चिंता थी धन है धन है वो विपिन रावत जी मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा बस इतना ही कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे आज वो जहां भी होंगे निश्चित रूप से एक बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे होंगे जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद टीडीएस विपिन रावत जी जिंदाबाद धन्यवाद